कल परसों में फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया था, वीडियो रिलीज़ हुई थी सभा में। वो ये कह रहे थे कि ये 370 धारा लागू करने की बात हो रही है मैनिफेस्टो में, और लागू करके तो देखो फिर दिखाते हैं क्या होता है, हम इसके खिलाफ़ खड़े होंगे। और एक चीज़ और कहती हम कसम वसम खा के कि इंशाअल्लाह, कह रहे थे कि हम इनसे आज़ाद हो जाएंगे और झंडा खड़ा करके दिखाएं। ये क्या उसको मिटाना चाहते हैं? समझते हैं कि बाहर से लाएंगे, बसाएंगे, हमारा नंबर कम कर देंगे, हम क्या सोते रहेंगे? हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह, हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। 370 वो कहते हो खत्म करो, अरे करोगे तो फिर इलाहाब किधर रहेगा? अल्लाह की कसम कहता हूँ, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा, हम इससे आजाद हो जाएंगे। करें, हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं फिर कौन इनका झंडा खड़ा करने के लिए तैयार होगा, मैं भी देखता हूं, आप भी देखते हैं। इससे वो चीजें मत करो जिससे कि तुम हमारे दिलों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो पहली बात जब न्यूज़ में आते हैं, जब कहीं ना कहीं आते हैं तो ये अपना दूसरा चेहरा दिखाते हैं कि हम सबको मिल के रहना चाहिए, और फिर कहते हैं कि लोग गुमराह कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको एंड में ये समझ में आया हो कि खुद ही गुमराह कर रहे हैं, खुद ऐसे ऐसे वर्ड्स ऐसे ऐसे टोन में ऐसे बोल रहे हैं कि मोटिवेट कर रहे हैं, और ये झंडा बदलने वाली बात पर जनता ने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया। क्योंकि मेजॉरिटी अगर इनके बहकावे में आ भी रही है, क्योंकि मेजॉरिटी वहाँ की मुस्लिम है, तो बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं मुस्लिमों में भी और वहाँ हिंदुओं में भी और जितने भी कास्ट रिलीजन जो भी रहता है, तो वो सब अंदर से क्या सोचते हैं इनको नहीं पता, लेकिन क्योंकि ये सोचते हैं कि मैं मुस्लिमों को बहका ले जाऊँगा क्योंकि मेजॉरिटी वही है और मेरा काम हो जाएगा। और रही बात अलग होने की, तो इंडिया की हिस्ट्री उठा के देख लो, कई हज़ार साल पहले ये जो स्ट्रक्चर है ना इंडिया का, पाकिस्तान कश्मीर और पूरा पूरा मतलब एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर बिना डिवीजन के बिना पार्टीशन के ले लो, तो शुरुआत से हमारा था, हमारा ही रहेगा। और इंडिया और कश्मीर में ऐसे नहीं कहा जाता है, इंडिया जब कहा जाता है तो उसमें कश्मीर भी आता है। तो ये अलग हो जाने की बात, अगर ये इस सेंस में कह रहे हैं कि हम पूरा स्टेट ही लेके अलग हो जाएंगे, तो ये तो नामुमकिन है। और दूसरी चीज़, अगर ये कह रहे हैं कि हम अलग हो जाएंगे, हम देश छोड़ के चले जाएंगे, स्टेट छोड़ के चले जाएंगे, तो मैं कह रहा हूँ अभी अभी आप भारत सरकार को अप्रोच करिए, आपके लिए व्यवस्था की जाएगी और आप यहाँ से चले जाइएगा। जहाँ भी आपको डेमोक्रेसी मिले आप वाली, जहाँ आपको मिले कि आपके अपने रहते हैं, जहाँ आपको लगे कि आपके दिलों को तोड़ने की कोशिश नहीं हो रही, क्योंकि इनके इस स्टेटमेंट में कहा है उन्होंने, तो अब तक तो हम लोगों ने जैसे दिलों को जोड़ने की कोशिश की नहीं, इतना मतलब अन्य लीनियंसी दिखाई है तो उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। भारत सरकार एक बार में चाह दे तो सब कुछ कर सकती, धारा 370 बिठा देगी, इनकी कुछ औकात नहीं कि कुछ कर लेंगे। और रही बात इनके जाने की, तो जहाँ आपका मन करे, जहाँ आप सेफ फील करें, क्योंकि आपको यहाँ तो डर लग रहा होगा, आपको यहाँ पे आपके दिल टूट रहे होंगे यहाँ पे, तो जहाँ आपके दिल जुड़ रहे होंगे वहाँ जाके रह लीजिए। लेकिन कश्मीर अलग नहीं होगा भारत से, इतना यहाँ के यहाँ मतलब आउट ऑफ कश्मीर, अगर कश्मीर में भी आपने सबको बरगला लिया है, तो कश्मीर के बाहर एक एक इंडियन बोल रहा हूँ, हिंदू मुसलमान नहीं बोल, एक एक इंडियन ये चाहता है कि कश्मीर हिस्सा ही रहे एज अ स्टेट, एक प्रॉपर एक छोटी सी कंट्री बन के ना रह जाए, क्योंकि आप लोगों की डिमांड होगी वहाँ पे अपना पीएम चाहिए, वहाँ पे अपना प्रेसिडेंट चाहिए, तो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानने को तैयार नहीं। एक कुछ भी अलग होने की आपने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन यहाँ पे नीचे कोई नहीं चाहता, कश्मीर के नीचे पूरे भारत में कोई नहीं चाहता कि अलग हो, और ना ही अलग होने देगा। तो ये सब फालतू की भाषणबाजियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि इनकी इन स्टेटमेंट्स का, इन वीडियोज़ का कोई वायरल करके इतना इनको नेता ना बनाए, हाँ अपनी प्रतिक्रिया देता रहे जैसे मैं दे रहा हूँ, और लोगों को कहे कि इनकी बातों में ना हो, भड़का ये रहें, दिलों को तोड़ ये रहें। तो खैर, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और इनके बारे में या मेरे बारे में मैंने अगर कुछ ऐसा कह दिया हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।